13 तारीख को हमारे मंत्रिमंडल की मीटिंग जो है वो 13 तारीख को 12 बजे हमारी कैबिनेट की मीटिंग जो है फिक्स हुई है, और फर्स्ट हमारी कैबिनेट मीटिंग में जो है हम OPS को जो है वो स्वीकृति देंगे। OPS के बारे में जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो प्लान जो है तैयार किए हुए ऑप्शंस हैं, 2-3 ऑप्शंस हैं, मंत्रिमंडल पे विस्तृत विचार करने के बाद और सरकारी कर्मचारियों की राय लेने के बाद जो है OPS पे विधिवत रूप से जो है 13 तारीख को जो है वो मोर लग जाए। आज विधिवत रूप से मैंने मंत्री के रूप में अपने दफ्तर में जो है वो कार्यभार संभाला है जी। मैं मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हम पे विश्वास करके अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, और हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की और हमको जो है वो इस प्रदेश की बागडोर दी है। हमारे पास हमारे जो है चुनौतियां बहुत हैं, इस हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना एक बहुत बड़ी कठिनाई का दौर है। प्रदेश इस वक्त आर्थिक रूप पे जो है वो कंगाल हो चुका है, आज हमारे सरकारी खजाने खाली हैं, और हमको इस प्रदेश को चलाने के लिए जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। पूर्व की भाजपा सरकार ने राजनीतिक आधार पे संस्थाएं खोली, 900 के करीब संस्थाएं खोली हैं जिसको सरकार ने डी नोटिफाई किया है, और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो हमको 5,000 करोड़ रुपये सालाना जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। अभी जनवरी फरवरी मार्च तक हमको 1,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए लोन के रूप में उठाना पड़ेगा। आज प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है। अब बीजेपी ने जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल आधार पे पॉलिटिकल सोच पे सत्ता को किस तरह से हासिल किया जाए वो एक इनका सोल मोटिव था। इन्होंने जो प्रदेश का हित है प्रदेश के इंटरेस्ट हैं उसकी जो है वो धज्जियाँ उड़ाई, और सब कुछ करने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो ठुकराया है। आज एक बहुत बड़ा दायित्व जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके मंत्रिमंडल की पूरी टीम पे है, उसमें नौजवान लोग भी हैं, साफ सुथरे लोग भी हैं, अच्छी सोच के और पढ़े लिखे लोग हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो रुका हुआ विकास है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, और जो राजनीतिक आधार पे जो रोटियों सेकने का जो है वो कार्यक्रम यहाँ चलता था, ऐसा नहीं होगा। पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार को कम करने की प्रयास किया जाएगा, और एक नई सोच से जो है हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है सत्ता का सुख भोगने नहीं आए, हम जो है सत्ता परिवर्तन करने जो है आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं एज इट इज़ चल रही हैं फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, हम उसमें जो है वो परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, सरकार के जो आर्थिक स्थिति किस तरह से सुदृढ़ हो वो हम कोशिश जो है वो करेंगे। आज बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा समस्या है, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि OPS को हम पहले दिन लागू करेंगे। 13 तारीख को हमारे मंत्रिमंडल की मीटिंग जो है वो 13 तारीख को 12 बजे हमारी कैबिनेट की मीटिंग जो है फिक्स हुई है, और फर्स्ट हमारी कैबिनेट मीटिंग में जो है हम OPS को जो है वो स्वीकृति देंगे। OPS के बारे में जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो प्लान जो है तैयार किए हुए ऑप्शंस हैं, 2-3 ऑप्शंस हैं, मंत्रिमंडल पे विस्तृत विचार करने के बाद और सरकारी कर्मचारियों की राय लेने के बाद जो है OPS पे विधिवत रूप से जो है 13 तारीख को जो है वो मोर लग जाए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।